भाई आप स्नान किए हैं? यस किए हैं। कहाँ? गंगा नदी में। गंगा नदी में कब किए? सुबह में 5 बजे। 5 बजे किए हैं। यहाँ का प्रशासन बहुत ही टाइट है, बहुत ही व्यवस्था बहुत अच्छा है, जो सबको कोऑपरेट कर रहे हैं, सभी को बढ़िया व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। सब देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गेट बनाया गया है जो है कि सोनपुर मेला 2023। और ये इंडिया में इतना दिन हम घूमे, इतना जगह घूमे, लेकिन ये सोनपुर मेला सबसे अच्छा है, सबसे मशहूर है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों हम भी मस्त है। दोस्तों अभी हम सोनपुर के मेला में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों आज है 27 तारीख और सुबह का अभी 6 बज रहा है दोस्तों, और कार्तिक पूर्णिमा है। और दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सोनपुर मेला में आज भीड़ है। दोस्तों यहाँ के पंडित जी से सुनने को मिला है जो है कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पब्लिक जुटते हैं दोस्तों। 25-26 लाख इस टाइप से लोग यहाँ सोनपुर मेला में जुटते हैं और हरिहरनाथ क्षेत्र बाबा से दर्शन करते हैं और गंगा स्नान करके उसके बाद बाबा से दर्शन करते हैं लोग यहाँ पे दोस्तों। और जो है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ये सोनपुर में दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए ये बाबा जी हैं, चलिए इनसे थोड़ा कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा जी स्नान किए हैं? नहीं किए हैं। देख सकते हैं दोस्तों आपको हम यहाँ सोनपुर मेला में क्या क्या चीज़ आया हुआ है इस साल, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ दिखाने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम आपको बैक कैमरा से कुछ यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं दोस्तों आपको हम बैक कैमरा से यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। चलिए ये भाई है, ये भाई से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। भाई आप स्नान किए हैं? यस किए हैं। कहाँ? गंगा नदी में। गंगा नदी में कब किए? सुबह में 5 बजे। 5 बजे किए हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से? गोपालगंज से। गोपालगंज से पंचदेवरी प्रखंड। अच्छा आप कल पे स्नान नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। स्नान नहीं कर सकते? कर सकते थे। क्यों मतलब यहाँ पे आए? यहाँ पे श्रद्धा से आए हैं, भाड़ा बकाया था। अच्छा श्रद्धा से आए हैं। हाँ। आज जो है कि तो पुण्य कमाने के लिए आज घर पे स्नान कर रहा है कल पे, तो वो पुण्य नहीं कमाएगा? नहीं। क्यों? यहाँ पे कुछ ना कुछ बात है, तभी तो यहाँ इतने लोग आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं। अच्छा तो और लोगों के बारे में क्या कहना चाहिएगा? सब लोग आए हैं, अब कुछ ना कुछ कारण है पुण्य कमाने के लिए। अच्छा कोई दिक्कत भी हुआ है नदी में जो स्नान कर? नहीं नहीं, जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्था टाइट है। सभी व्यवस्था टाइट है। यस तो कुछ होगा दिक्कत नहीं? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ का प्रशासन बहुत ही टाइट है, बहुत ही व्यवस्था बहुत अच्छा है, जो सबको कोऑपरेट कर रहे हैं, सभी को बढ़िया व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया सुविधा। आप स्नान किए हैं? जी किए। कितने बजे किए? 4 बजे। पूरे इंडिया में इतना दिन हम घूमे, इतना जगह घूमे, लेकिन ये सोनपुर मेला सबसे अच्छा है, सबसे मशहूर है, और सामान भी सबसे सस्ता मिलता है यहाँ पे। क्या क्या नया देखने को मिला है आपको? मेरे को बहुत सामान वस्तु हो गए, जैसे कि कपड़े हो गए, या कोई वस्तु हो गया, खाने की चीज़ हो गया, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये सोनपुर मेला में थिएटर भी बहुत मशहूर है, तो आप देखे गए तो थिएटर लगभग 15-20 थिएटर मैंने देखा हूँ, जिसमें से अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। 2-3 दिन में चालू हो जाएगा जी। अच्छा आप कहाँ से हैं? हमें देवरिया से। देवरिया जिला? हाँ। मतलब यूपी बिहार के बॉर्डर पर हम लोग पड़ता है। अच्छा। विजयपुर जी। तो सोनपुर मेला के बारे में कब पता चला आपको? पता तो हम बहुत बेहतर चला था, कई साल से इंतजार कर रहे थे कि जाएंगे, इस पर फैमिली के साथ हम लोग आए हैं। आप कहाँ से हैं? गोपालगंज जिला से। गोपालगंज जिला से। हाँ। स्नान कर लिए? हाँ स्नान कर लिए। अकेले आए हुए हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ? परिवार के साथ है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? नहीं दिक्कत नहीं हुआ है। अब प्रशासन के द्वारा कितना यहाँ पे सहयोग मिल रहा है? प्रशासन के द्वारा सही सहयोग मिल रहा है। सही सहयोग है। कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्या क्या नया देखने को मिल रहा है इस साल? मतलब थिएटर देखे, थिएटर अभी कुछ चालू है, कुछ नहीं चालू हुआ है अभी, चालू नहीं है। तो क्या मतलब बात किए हैं थिएटर के मैनेजर मालिक से? नहीं उन्होंने से हमने बात नहीं की है। किसी से बात तो हुआ होगा, वो बोला होगा जरूर कि मतलब इस दिन से स्टार्ट होने वाला है? 2-3-4 दिन लगेगा स्टार्ट होने में। गोलू टुडे ब्लॉग्स।
तो दोस्तों देख सकते हैं, और सामने जो देख रहे हैं बहुत बड़ा पंडाल दोस्तों, उसमें रोज प्रोग्राम होता है, महीना भर प्रोग्राम होता है, उसमें नए नए सिंगरों को बुलाया जाता है मतलब। और दोस्तों सामने देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गेट बनाया गया है जो है कि सोनपुर मेला 2023। और ये भाई लोग देख सकते हैं स्टिक मतलब बेच रहे हैं, कितना दाम है? 150 रुपया। अच्छा ये क्या है? ये पावर बैंक। पावर बैंक इसे कितना दाम? 200 है। देख सकते हैं दोस्तों आगे है 8 करोड़, मतलब बहुत सारा चीज इस मेला में अब की बार आया है दोस्तों। तो बारी बारी करके सारा चीज दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो में आप सब लास्ट तक बने रहिए, जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा पंडाल बनाया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बच्चे लोग का मोजा, ये टोपी वोपी बिक रहा है, यहाँ पे चादर भी बिक रहा है। चलिए इनसे बात करने के बाद, कितना दाम है चादर का? चादर का सेल रेट है 150। जी 150 में एक पीस? जी हाँ। अच्छा उधर तो दो दो पीस मिल रहा है 150 में, तो उसका क्वालिटी कुछ और है। अच्छा इसमें क्या खास है? खासियत है ये कश्मीरी मार्का है। मेरी मार का रेट अगर मिल रहा है मतलब बहुत ही कम रेटों में मिल जाती है सोनपुर मेला में। देख सकते हैं मतलब यहाँ पे बहुत सारा चीज मतलब अब की बार लगा हुआ है, बहुत सारा चीज नया देखने को मिल रहा है अब की बार। तो दोस्तों चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी जय बिहार।